शिवराज बहुजन पक्ष के नेता आमदार हर्षवर्धन यादव जी, प्रतीक पटेल करें, हमारे सचिव बहुजन, हमारे शिवराज बहुजन समाज पक्ष के सचिव, आइए जनाब हाजिर अतिथि आपका स्वागत करेंगे। आइए पंडित साहब, चलाओ में जो भी सर जैसे जल्दी आइए, स्वागत करने वाले अपना नाम बताइए। हमारे हाजिर अतिथि आमदार जनाब हर्षवर्धन यादव जी का ये वालेहाना स्वागत, ये इस्तकबाल तारीखी इस्तकबाल हो रहा है शहर औरंगाबाद में कटकर गेट के ऊपर। हाजिर अजीज आमदार जनाब जिसका आमदार साहब का स्वागत कर रहे हैं जी। जलसे की कार्रवाई का आगाज हो रहा है। स्वागत आमदार साहब करेंगे हमारे इस बार। स्वागत करेंगे आप साहब, क्या कहेंगे क्या बताएंगे सुनिए। मैं सबसे पहले प्रतीक पटेल साहब को बताने की जरूरत क्यों पड़ी, मैं आपको बताना चाहता हूं। माननीय आमदार हर्षवर्धन यादव साहब पिछले 10 साल से ये लोग आमदार आए कन्नड़ के, और उनके वालिद भी आमदार थे, उनकी माता भी आमदार थी। आज कन्नड़ के अंदर उनका जो काम है वो देखते हुए उन्होंने सोचे कि ये काम जो है पूरे औरंगाबाद जिले में मैं फैलाऊं। दूसरे पार्टी के अंदर उन्होंने मनसे के अंदर काम करे, उन्होंने शिवसेना के अंदर काम करे, लेकिन वहां पर उनका दम घुटता था, उनके दिल के जैसा काम वहां पर नहीं होता था। आमदार साहब का नेचर ऐसा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ में सभी समाज के लोगों का खास तौर पर दादा को देखना है, दादा को समझना है। तो मैं सिर्फ इनके कुछ काम आपको, काम तो बहुत ज्यादा लेकिन बहुत ही शॉर्ट में बतला रहा हूं। सबसे पहले तो अभी जो पांच साल पहले जब शिवसेना से चुनकर आए आमदार साहब, तो इन्होंने पहले हमारे मुस्लिम समाज के लोगों को इस बात का वादा किए थे कि मैं चुनकर आने के बाद में जिस तरीके से हिंदू भाइयों का काम करूंगा, इसी तरीके से बराबरी के साथ मुस्लिम वार्डो में और मुस्लिम भाइयों का भी काम करूं। ऐसी जगह जाकर लेकर चले गए जहां पर मुस्लिम लोग जा ही नहीं सकते थे, लेकिन दादा ने बहुत ही मेहनत और जुस्तजू कर उस ग्रामीण रोगनाले को चालू रखकर, मैं आपको बता दूं शहर में ही ग्रामीण रोगनाले होता है, लेकिन हमारे कन्नड़ में 2 ग्रामीण रोगनाले। और इसी तरीके से बहुत से काम जैसे अभी औरंगाबाद में हमारे साथी जो अनाउंसमेंट कर रहे इन्होंने बस रहा है कि दादा का काम पड़े गांव में भी है, पड़े गांव में भी इन्होंने रोड का काम किए, लाइट का काम किए, और एक प्रोग्राम में जो 25 जनवरी को मैंने मेरे पास में प्रोग्राम था दादा का, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई। दादा का जो माइंड है उन्होंने ये बात बताई कि देखो कि मैं दुनिया में क्या लेकर आया था और क्या लेकर जाऊंगा, मेरा मकसद सिर्फ खिदमत खल्क है, और इसी के जज्बे से कन्नड़ में और कन्नड़ तालुके में तो दादा को कोई चैलेंज नहीं। लेकिन एक मेरे जहन में ये बात है कि अगर ऐसा सेकुलर माइंड आदमी जो अपने ख्याल से अपने जज्बात से ये चाहता है कि वो पूरे जिले में काम करे और फिरका परस्तों को टक्कर दे, क्योंकि 20 से 25 साल के अंदर हमारे मुस्लिम और जो 3 से 4 लाख वोट है आपस के तनाजे में जाहिर हो रहे हैं और उसका कोई वैल्यू नहीं रहा। अगर आप लोग साथ देते खुशूस हमारे मुस्लिम भाई, बहुजन भाई और हिंदू भाई, तो मैं समझता हूँ कि हमारे वोटों का वैल्यू भी पड़ेगा और साथ में हमारे शहर की और हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट की तरक्की होगी। और सभी राष्ट्र पुरुषों को, सभी राष्ट्र माताओं को मैं नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ। यहाँ पर तशरीफ लाए हुए हमारे सभी मेहमान, सभी हमारे दोस्त, हमारे चाहने वाले, और
इस कर्कटगेट इलाके के सभी नागरिक, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपका कि इतनी बड़ी तादाद में आप लोग इस प्रोग्राम में शरीक हुए। मुझे लगता नहीं था कि कटकर गेट में इतना बड़ा प्रोग्राम होगा, मगर हौसला अफजाई अगर किसी से सीखनी हो तो मेरे ख्याल से आपसे सीखनी पड़ेगी। आप एक बहुत ही नगण्य आदमी को इतना उसको सराहते हैं कि उसकी भी छाती फूल जाती है, तो माशाल्लाह मैं आपका शुक्रिया। औरंगाबाद में हमारे दो इलाके बसते हैं ऐसा मुझे महसूस हो रहा है, एक औरंगाबाद में दो औरंगाबाद बसते हैं ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। एक औरंगाबाद हिंदुओं का है, एक औरंगाबाद मुसलमानों का है, और यह जब मुझे महसूस होता है तो मुझे बड़ा दर्द होता है, क्योंकि हमारे कन्नड़ में ऐसा नहीं है। हमारे कन्नड़ में हम सब भाईचारे के साथ रहते हैं, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कितना भी पंगा हो जाए, हम लोग एक दूसरे को छोड़ते नहीं, हम लोग एक दूसरे के साथ में रहते हैं। मगर औरंगाबाद में परिस्थितियां कुछ अलग है। यहां पे विकास के बारे में बात नहीं होती है, यहां पे धर्म के बारे में बात होती है। मैंने हमेशा से कहा है कि धर्म चाहे कोई भी हो, सबका मालिक एक है, और अगर सबका मालिक एक है तो धर्म धर्म में झगड़ा करने का क्या संबंध आया। शिरडी के साईं बाबा को मानते हैं लोग, फकीर थे वो, उन्हें पैगाम दिया है कि सबका मालिक एक है, और अगर सबका मालिक एक है तो हम सब खुदा के बंदे हैं। हमें उसकी पैदाई करने वाला बाप वो है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे गरीब हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सरदार हो, सबका बाप एक ही है, वो ऊपर वाला है। और इस चीज को जितने जल्दी हम लोग समझ लें उससे ज्यादा ही हमारा फायदा है। ऊपर वाले ने मिल करके देखा है। मैं अभी केके ग्रुप जो हमारा एक बहुत ही बड़ा सेवा भावी संस्था का काम करने वाला ग्रुप है, उसके यहां से आ रहा हूं, उसके यहां पे ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है गांधी हॉस्पिटल के सामने। वहां पर मुसलमान भी खून दे रहा है, हिंदू भी खून दे रहा है, दलित भी खून दे रहा है, और सारा खून गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल के लिए दाखिल हो रहा है। और जिस किसी को भी, चाहे वो कोई मदद का हो, अगर खून की जरूरत पड़ती है तो ये खून उनके उपयोग में आने वाला है। जब ऊपर वाले इसमें कोई फर्क नहीं किया तो हम लोग फर्क करने वाले कौन है? और इस चीज को हम समझते नहीं कि सबसे बड़ी हमारी एक कहे की वीकनेस है, हम लोग नहीं समझते इस चीज को। मुझे एक जगह पे जाने का अवसर आज मिला, एक बहुत ही बड़े धर्मगुरु है हिंदू समाज में, उनका नाम है अन्ना साहेब मोरे, उनको मोरे दादा करके बोलते हैं। उनका त्र्यंबकेश्वर में बहुत बड़ा काम चलता है। मैं उनके वहां गया था आज दर्शन करने के लिए। उन्होंने मुझे बहनों को बोला कि मैं आज एक सभा करने जा रहा हूं जिसमें मुझे हिंदू मुस्लिम एकता की बात रखनी है। तो मैंने कहा बेटा मेरे पूरे आशीर्वाद तुम्हारे पीछे, मेरे पूरे आशीर्वाद तुम्हारे पीछे। बोले ओम, ये जो लिखा हुआ है यहां पे उनके जो उनका जो दफ्तर है वो दफ्तर में एक ओम लिखा हुआ है। उन्होंने कहा कि बेटा इसको कांच में देखो, एक मिरर लगा के देखो इसको कि ये क्या लिखता है। जब ओम को मिरर लगा के देखा तो उसका उल्टा जो हुआ वो 786 हुआ। लेकिन मजहब का जो अपभ्रंश किया जाता है, मजहब के नाम पे जो गलत चीजें बताई जाती है, उसमें काम खराब होता है। अगर मजहब को असली तरीके से अमल में लाए तो दुनिया में झगड़ा फसाद हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी मजहब झगड़ा फसाद की बात करता ही नहीं है। अगर आपको मजहबी बनना ही है, अगर हिंदुओं को भी भारत तुम्हारा भारत धर्म धर्म रखते हो ना, वो तुम्हें पर धर्म बनाता है, तुमका हिंदू धर्म क्या है, इस्लाम धर्म क्या है, बौद्ध धर्म क्या सीखो, तो इसकी ठीक तरह से समझ हमारे पास नहीं है, इसकी
और हम लोग विकास की तरफ बढ़ेंगे। आज हम लोग एक दूसरे से झगड़ा करने में इतने मशरूफ है कि हमारा विकास करने के लिए कोई तैयार नहीं है। चाहे किसी भी कोई पॉलिटिकल पार्टी को ले लीजिए, किसी को पड़ी नहीं है, किसी को पड़ी नहीं है। जो वो चाहता है कि भाई कुछ ना कुछ दंगा फसाद हो जाए, कुछ उल्टा पुल्टा हो जाए, फिर सकारा विकास में हो मंदिर अच्छा तो कीर्तन। हाँ यही चल रहा है ना, क्या चल रहा है? अभी आने वाले वक्त में मैं आपसे विनती करता हूँ कि इस चीज को खत्म करने के लिए मुझे मदद कीजिए। शिव जयंती का कार्यक्रम दिया मैंने, इम्तियाज भाई को मैंने बुलाया वहां, मैंने को रिक्वेस्ट की कि शिवाजी महाराज ये 18 पगड़ जात धर्म को साथ में लेके चलते थे, वो मुसलमानों के खिलाफ नहीं थे, ये मैंने उनको बोला। इम्तियाज भाई भी बहुत पढ़े लिखे हुए इंसान है, वो कोई गवार इंसान नहीं है, वो भी आए, उन्होंने शिवाजी महाराज को पुष्पहार अर्पण किया और जबरदस्त ऐसा कार्यक्रम क्रांति चौक में कुछ दिन पहले हुआ 19 फरवरी को। एक बहुत बढ़िया संदेश हमने दिया कि भाई उस चीज को खत्म करो, हमको हिंदू मुस्लिम नहीं करना है, हमको हिंदू दलित नहीं करना है, हमको विकास के काम पे चलना है। हमने गलतियां की है पर हमें गलतियां हमने जब कर रहे थे तो हमें रोकने वाला कोई नहीं था, उल्टा बढ़ावा देने वाले जो लोग ज्यादा थे कि कहीं ना कहीं इनका सत्यानाश हो जाएगा, हम लोग हमारे पीछे रह जाए, हमारे पीछे आके बैठ जाए। में 3 बार उसने नाम ले लिया, लेना जरूरी है। मैं फिर एक बार मैं कहूंगा किस पार्टी से मुझे नहीं लेना देना, आदमी कैसे उससे मुझे बहुत कुछ लेना देना है। किसी ने यह भी कहा कि भाई इम्तियाज भाई लोकसभा लेने वाले, फिर आपका कैसे होगा, फिर आप क्या करोगे? मैं कटकट गेट पे ऐलान कर रहा हूं, सुन लो, अगर इम्तियाज भाई खड़े रहते हैं, अगर इम्तियाज भाई को लोकसभा जीत लड़ना है, उनको अगर लोकसभा के अंदर उम्मीदवारी भरनी है, तो मुझे कोई एतराज नहीं है, मुझे कोई एतराज नहीं है। वो चाहते हैं जरूर लड़े, मैत्रीपूर्ण लड़त होगी, चाहते हैं जरूर लड़े, उनको बिल्कुल मेरी तरफ से गुरु विशेष है। क्यों? क्योंकि वो आदमी भी सेक्युलर आदमी है मेरे जैसा, वो आदमी भी मेरे जैसा सेक्युलर आदमी है, वो आदमी भी मेरे जैसा सेक्युलर आदमी है, पढ़ा लिखा है, उसको समझ में आता है दुनिया की 4 शहर देखे हुए हैं, तो वो आदमी अगर करता है तो उसको मैं तो रुमाल में बांध देता हूं, क्यों नहीं करूंगा। लेकिन अगर वो नहीं रहते हैं तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि इस लोकसभा में मुझे आप सहकार्य करें और इस मुकाम तक मुझे ले जाए कि जहां से मैं कुछ ना कुछ काम आपके लिए कर सकूं। आज मैं कन्नड़ का आमदार हूं, मैंने कन्नड़ ठीक कर दिया है, मगर औरंगाबाद का मुझे बड़ा दुख होता है, इसलिए मुझे औरंगाबाद ठीक करने की एक जुनून मेरे सर में आया हुआ है। अब उस जुनून का क्या करना है वो आप डिसाइड करो कि भाई ऐसा एक सज्जन आदमी है जो चाहता है कि हिंदू मुसलमान दंगल बंद हो जाए, जो चाहता है कि विकास हो, जो चाहता है कि बेहतर की डेवलपमेंट हो, जो घोंगूगिरी नहीं चाहता, जो ड्रामेबाजी में यकीन नहीं करता। अब इस चीज को आपको कबूल करना है नहीं करना है आप कह रहे हैं, मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ये मेरी कोशिश है और मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि मुझे इस कोशिश में आप कामयाब करें। काम चलवा था हमने नहीं दिए, मैं हूं इसलिए ये मंदिर खड़ा है। अगर तुम हर्षवर्धन यादव के पैसे वापस नहीं देंगे तो मैं मंदिर तोड़ दूंगा। आप बताओ संगठन खैर होता है, मैं मंदिर तोड़ दूंगा। मेरे को जब ये बात मुझे पता चली तो मैंने बोला क्या बात कर रहे हो, बोले हाँ। उसने साफ साफ कहा कि अगर हर्षवर्धन यादव से पैसा लोगे तो हम लोग मंदिर तोड़ देंगे। मैंने कहा फिर कहां गया हिंदू धर्म रक्षक, किधर गया हिंदू धर्म रक्षक? मंदिरों को गिरने नहीं दूंगा, मंदिरों को कोई गिराएगा तो मैं उसको मार डालूंगा। ये भाषा करने वाला आदमी क्या उसकी सियासत
के रखवाले, ये दोनों रखवाले चोर है सर, बिल्कुल चोर है। मैं इम्तियाज भाई को सलाम करता हूं, वो एक पढ़ा लिखा आदमी है, ऑफिस पार्टी से ताल्लुक रखता है, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने आकर के शिवाजी महाराज के पुतले को पुष्पहार अर्पण किया, मेरा दिल खुल गया, मेरी छाती खुल गई। मैंने कहा मुझे ऐसा दोस्त चाहिए, मुझे ऐसा दोस्त चाहिए। लोगों ने चर्चा चालू कर दी, बोले हर्षवर्धन यादव वंचित आघाड़ी में जाने वाला है। मैंने बोला मैं कहीं वंचित आघाड़ी में जाऊं, मैं ये सियासत के लिए नहीं कर रहा हूं, ये मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे इसमें खुशी मिलती है। अगर हिंदू मुस्लिम भाईचारे से रहे इसकी खुशी मिलती है मुझे। बोलते ऐसा कैसा सर्किट है तू? मैं बोला हूं सर्किट, क्या करते हो तू? अरे पेट पानी कर, बोले यार पैसा वैसा कमा, बंबई में घर नहीं है। यहाँ पर इस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर जनाब अफरोज लाला मुजीब भाई, इन तमाम की जानिब से हम आप तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आगाज गुरु खालिद साहब की जानिब से जनाब आमदार साहब का स्वागत करते हैं और ये सभा खत्म हुई इसका ऐलान करते हैं। मुजीब साहब तमाम का शुक्रिया अदा करेंगे। मुजीब शाह साहब आइए। शान बढ़ाई, इनका मैं और हमारे लाला भाई तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।